तब जाके होली हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम होली खेलें। तैयारी हम पूरे एक साल पूरे 11 महीने इंतजार करते हैं कि कब होली आएगी और कब हम होली खेलेंगे। हाँ, पहले कल निमंत्रण दिया जाता है नंदगांव को कि हमारे यहाँ पे कान्हा जी बन के उनके सखा होली खेलने आए, तब सखियाँ यहाँ राधा रानी का स्वरूप बन के उनके साथ होलियाँ खेलती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अपार खुशी हो रही है। हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि हमें कितनी खुशी हो रही है। राधा रानी को आज कृपा से हम लोग ये अवसर मिला है, बहुत अपार खुशी, उनकी महिमा का हम वर्णन ही नहीं कर सकते और ना तो अपनी खुशी का हम बखान ही कर सकते कि हमें कितनी खुशी है। कान्हा जी आएंगे अपने ग्वाल वालों के साथ, आज उन्हीं सबसे लट्ठमार होली खेलेंगे। जी हाँ, हम लोग फागुन लाला अब हम तैयार हैं, बिल्कुल हम हार नहीं मानेंगे। ने कहू भी वो भी देख रही सखे हमारे, सखे हमारे आ गए वो ऊपर तो उतर के नहीं आ, उन्हीं की तो सखियां हैं हम लोग। आ जान दो लाला, आ जाने दो, आ जान दो। तो आप देख रहे हैं बरसाना की ये होली किस तरीके से बरसाना में लठमार होली होती है। ये नंदगांव से आए हैं और नंदगांव से जिस तरीके से गोपाल आते हैं उनको किस तरीके से राधा रानी की सखियां लठ मारती हैं, यही खास है बरसाना की लठमार होली। और बरसाना की लठमार होली को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी खुशी यहाँ के लोगों को हो रही है और साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लठमार होली यहाँ पर चल रही है। आप देखिएगा कैसे लठ बरसाए जाएंगे क्योंकि इतने लठों की बरसात होती है। नंदगांव से आते हैं ग्वाला और लठों की बरसात यहाँ पर गोपियाँ करती हैं, यही इसे खास बनाता है और यही बरसाने की होली है जो कहीं ना कहीं दुनिया भर में फेमस है। और इसी के लिए लाखों की भीड़ बरसाना में आती है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लठमार होली हर साल यहाँ पर मनाई जाती है और इस लठमार होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है। नंदगांव से यहाँ पर ग्वाल बाल आते हैं और यहाँ पर राधा रानी की सखियाँ किस तरीके से लठ बरसाती हैं वो तस्वीरें कहीं ना कहीं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि दुनिया भर में यहाँ पर लठमार होली, दुनिया भर में से लोग यहाँ पर आते हैं इस लठमार होली को देखने के लिए और यही इसे खास बनाता है। आप देखिएगा कैसे राधा रानी की सखियाँ यहाँ पर मार रही हैं बखूबी लठ उन ग्वाल बाल को जो नंदगांव से आए हैं, क्योंकि नंदगांव कृष्ण जी का गांव कहा जाता है। और ये सारी गोपियां बनी हैं यानी राधा जी की सखियां बनी हैं जो इस वक्त ग्वाल बाल को पीट रही हैं। यानी कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान बरसाना आए राधा रानी के साथ होली खेलने तो राधा रानी और उनकी सखियों ने इसी तरीके से कृष्ण भगवान पर लठों की बरसात की थी और इसे राधा रानी और कृष्ण भगवान का प्यार भी कहा जाता है। और इसी प्यार को दर्शाती हैं ये राधा रानी की सखियां, ये राधा रानी की सहेलियां, क्योंकि इन्हें राधा रानी जी का सखियां कहा जाता है, राधा रानी जी की सखियां कहा जाता है। घूंघट में सभी यहां पर हैं और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तस्वीर यहां पर लग रही है क्योंकि काफ़ी सुंदर तस्वीर है। और इसी प्रेम को देखने के लिए, इसी प्रेम को देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। ये कृष्ण भगवान का प्रेम था जो राधा रानी जी के बरसाने आए और लठ मार होली खेली, क्योंकि परंपरा तभी से शुरुआत हुई। और उसके बाद से ये सारी गोपियाँ जो आप देख रहे हैं ये ग्वाल बाल को लठ मारती हैं, किस तरीके से लठों की बरसात हो रही है ये तस्वीरें खास बनाती हैं बरसाना की इस होली को, क्योंकि एक एक गोपी नहीं कम से कम यहाँ पर कितनी गोपियां हैं आप देख सकते हैं, कम से कम 100 से 150 गोपियां हैं जो लठों की बरसात यहां पर ग्वाल बाल पर कर रही हैं। तो बरसाना की ये होली बेहद खास है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रेष्ठ भारत जब बरसाना आया है तो ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये गोपियां जब लठ बरसाती हैं तो यही इस होली को खास बनाता है। क्योंकि नंदगांव से बाल गोपाल आते हैं और नंदगांव से जब बाल गोपाल आते हैं जो कि कृष्ण जी का गांव है तो यहाँ पर राधा जी की सहेलियाँ उन पर लठ बरसाती हैं। ये परंपरा तब से है जब कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ होली खेलने आए थे
और ये परंपरा तभी से चल रही है क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर गोपियाँ हैं और इन्हीं गोपियों को देखने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सजिता जी, आपको गोपियाँ नजर आ रही होंगी। ये दरअसल कहा जाता है कि कृष्ण जी का राधा जी के प्रति प्रेम है और वही प्रेम कहीं ना कहीं इस होली को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर ग्वाल बाल हैं और लट्ठों की बरसात हो रही है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गोपियाँ रुक नहीं रही हैं। ये प्रेम कहा जाता है बरसाने का, नंदगांव का, क्योंकि नंदगांव में जब कृष्ण जी श्री कृष्ण जी थे तो श्री कृष्ण जी बरसाना आए थे ग्वाल बाल के संग। राधा जी और उनकी सखियाँ का प्रेम था। जब होली के दिन ही ये लठ बरसाए गए थे तब से लठ्ठा मार होली की शुरुआत हुई और ये अनोखी तस्वीर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है क्योंकि इस तस्वीरों के जरिए ही हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये होली खास है और उमंग सभी लोगों के अंदर है। हाँ, अच्छा लगता है, ये तो है ही है, अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ खेलने यहाँ के लिए। हाँ, करीबन 8 साल से खेल रही हूँ। लग जाते करीबन 10-15 दिन पहले से ही तैयारी करते हैं, अपनी होली खेलेंगे। हाँ, खूब अच्छा। हाँ, प्रेम का प्रतीक ही है। हाँ, आते ही कहा जाता है। हाँ, ये ढाल लेकर के जो आते हैं ब्रजवासी लोग वो नंदगांव के होते हैं। कल हम लोग जाएंगे तो वहाँ की गोपियाँ होंगी। नंदगांव के ग्वाला आते हैं तो बरसाने की गोपियाँ होती हैं। ये राधा कृष्ण का प्यार और प्रेम का प्रतीक, स्वार्थ का उत्सव है। सभी को प्यार और प्रेम से रहना चाहिए, इसी को जागृत करते हैं। हाँ, 1.5 महीने पहले बसंत पंचमी को निमंत्रण लगाया जाता है नंदगांव जाकर के। नंदगांव वाले बरसाना आते हैं और राधा रानी को और सखियों के लिए निमंत्रण दे करके जाते हैं। अभी भी हमारे हृदय में और हमारे ब्रज के कणकण में भगवान राधा कृष्ण का निवास है और आज उसी परंपरा को निभाते हुए, राधा कृष्ण के प्यार और प्रेम को निभाते हुए हम इस होली को उत्सव को मनाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है कि नहीं, कम से कम 1.5 महीना पहले से करते हैं। बात कर रहे हैं, यहाँ पर लठमार होली हो रही है और किस तरीके से खुशी उन्हें हो रही है, एक बार फिर से बताइए। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, प्यार से मारते हैं लठिया, गुस्सा भी नहीं मारते हैं। जो राधा कृष्ण की होली है वही होली है, गोपियाँ रूप रखती हैं और गोपी रूप में खेलते हैं होली। तैयारी करते हैं आप? तैयारी 1 महीना पहले। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, शीर्ष भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।